मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के मुंगावली गांव में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची सृष्टि को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बोरवेल के बराबर में 7 फीट की दूरी पर गड्ढा खोदा जा रहा है। 300 फीट के बोरवेल में 30 फीट पर मासूम फंसी हुई है। अब तक 10 फीट के करीब गड्ढा खोदा गया है। बोरवेल के पैरलर 30 फीट गड्ढा खोदने के बाद सुरंग बनाई जाएगी। पथरीली जमीन होने के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। जिस खेत में मासूम गिरी है वो उसके चाचा का है। खेत से मासूम सृष्टि कुशवाहा का घर लगा हुआ है और खेलने के दौरान ही वो खुले हुए बोरवेल में गिर गई थी। मासूम सृष्टि की मां का कहना है कि सूखे बोरवेल पर टूटा हुआ टप रखा हुआ था और टप पर बैठकर सृष्टि खेल रही थी। टप पर उसे बैठा देखकर वह मासूम के पास दौड़ लगाकर पहुंची, लेकिन जब तक पहुंची तब तक वो बोरवेल में गिर गई। बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन अपनी बच्ची को बाहर नहीं निकाल पाई। 2 से 3 महीने पहले ही इस बोरवेल को खोदा गया था लेकिन पानी नहीं आने पर खुला छोड़ दिया गया। बता दें कि बोरवेल बच्ची के चाचा का है। सृष्टि की मां का कहना है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेरी कल किसी दूसरे की बच्ची भी ऐसे ही किसी हादसे का शिकार हो सकती है, इसलिए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार सीहोर जिला मुख्यालय के मंडी थाना क्षेत्र के मुंगावली गाँव में 2.5 साल की बच्ची सृष्टि कुशवाहा बोरवेल में गिर गई है। मामले की सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम और रेस्क्यू अमला घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चला रहा है। सीहोर कलेक्टर और एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में बच्ची के बोरवेल में गिरने की घटना का संज्ञान लिया है। प्रशासन को निर्देश दिए है कि बच्ची को निकालने के लिए समुचित प्रयास किया जाए। प्रशासन घटना स्थल पर है और बच्ची को निकालने के काम में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी सीहोर जिला प्रशासन के संपर्क में बने हुए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।